सो वेलकम बैक सभी लोगों को आज की एक नई वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि आप लोग इस वीडियो के टाइटल या थंबनेल से पता लगा ही दिया होगा आप लोगों ने कि हमारे एनिमल शैडोन जो कि है सुपर एनिमल शैडोन, उसका एक न्यू अपडेट मैं लेके आ गया हूँ। एंड इस अपडेट में काफ़ी सारी न्यू चीज़ें मैंने डाली है, कुछ न्यू चीज़ें फिक्स वगैरह भी की है एंड कुछ कॉन्सेप्ट मैं नहीं डाल पाया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं अभी बीमार चल रहा हूँ, मुझे ज़ुकाम है इसलिए। एंड इसी रीज़न से मैं ज़्यादा कुछ मतलब और भी कुछ चीज़ें मैं डालना चाहता था पर उस रीज़न से मैं डाल नहीं पाया। एंड दूसरी चीज़ की गाइस एक हैप्पी न्यूज़ है कि कल है मेरा बर्थडे, यानी कि 28 जनवरी, यानी कि कल मेरा बर्थडे है। एंड आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ 27th को, एंड मैं वैसे रात को डाल रहा हूँ तो कई सारे बंदों ने तो क्या पता मेरे बर्थडे के दिन को ये वीडियो देखा होगा। एनीवेज मुझे बर्थडे का विश करना मत भूलना, एंड मैं 15 साल का हो जाऊँगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बकवास सारे छोड़ते हैं एंड स्टार्ट कर देते अपना सारा रिव्यू। तो सबसे पहले मैंने डाला है जो कि है अलास्कन माला म्यूट डॉग, आई थिंक कि कुछ ऐसा ही नाम है इसका, पता नहीं कि इसका नाम बड़ा अजीब है। इसे मैंने यूट्यूब पे देखा था, मतलब ये पेट डॉग है बेसिकली, ये एक डॉग ब्रीड है, होप कि मैंने इसका नाम सही से डाला हो। एंड ये बेसिकली काफ़ी क्यूट दिखता है, माइनक्राफ्ट में थोड़ा अजीब भले दिख रहा हो बट रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, मैं काफ़ी डिफरेंट होता है मतलब। एंड इसको मैंने डाल दिया है गेम के अंदर। एंड जो सेकंड चीज़ है ना गाइस वो ये है कि मैंने एक डाला है स्ट्रीट डॉग, मेरे को रिटल यहाँ पे और कोई मॉब मिला ही नहीं पाया, मैंने स्ट्रीट डॉग डाल दिया है गेम के अंदर। अब हमारे पास हमारे गली के कुत्ते जो कि है स्ट्रीट डॉग, वो भी है माइनक्राफ्ट के अंदर। अब मुझे नहीं पता मैं क्यों ये सारी हरकतें कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस तो थी पिटबुल जैसे डॉग्स को डालने की बट मैंने पला स्ट्रीट डॉग वगैरह क्यों डाला, इसका भी यही रीज़न है। एक तो मैं बीमार चल रहा हूँ तो उस रीज़न से मैं ढंग से वीडियो नहीं बना पा रहा, एंड मेरे से 3D मॉडलिंग वगैरह नहीं हो पा रही क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ इसलिए। सो या देन जो सेकंड चीज़ मैंने की है वो है एलिफेंट एनिमिनेशन फिक्स। अगर पुराने वर्जन में तुम देखो तो उसकी एनिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो पुराना वर्जन था उसमें इसकी एनिमिनेशन नहीं थी। अगर अभी तुम ध्यान से देखो तो इसकी एनिमिनेशन नहीं है, देखो जब ये भागेगा तो तुम्हें इसकी एनिमिनेशन देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसे सी है जो कि तुम देख ही सकते हो। उस टाइम पे उसकी जो एनिमिनेशन थी वो वैनिश हो गई थी, सो ये एक न्यू चीज़ है। देन है अपना लायन का, टाइगर का एंड चीता का, तीनों को मैंने वॉइसेस दे दी है। अब जब ये लोग लाइक आप इनको स्पॉन करोगे आपको इनके वॉइस देखने मिलेगी, जैसे मैं लायन स्पॉन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो ठीक है। ये है इनकी न्यू वॉइसेस जो कि मैंने इनको दी हुई है। अब ये लोग गूंगे बहरे नहीं है। एंड जो दूसरी चीज़ें इनकी पूछ मैंने इसमें चेंजेस किया है, ये थोड़ी ऊपर से होती है, पहले काफ़ी अजीब सी थी एकदम, मतलब टांगों की तरह एकदम ऐसे वो हो गई थी। सो अभी इनकी पूछ में थोड़े चेंजेस है, ये इन तीनों में है ठीक है। फिर है अपना है न्यू मॉब जो कि है पेंगुइन, या आप लोग कुछ स्नोवी टाइप के बायोम्स वगैरह में देखने, उसको मार लो पहले। हाँ तो आप लोग को स्नोई एंड आइस बायोम वगैरह जैसे बायोम्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा जिसका इन्होंने गेम बजा दिया है। देन है अपने पास एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। जी हाँ आप लोग मतलब कई सारे बंदों ने मुझे पूछा था पहली बात कि भाई इसमें मगरमच्छ है क्या, मतलब पता नहीं क्यों पर लोगों को मगरमच्छ से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसे गेम में डाल दूँ। हाँ फर्स्ट वर्जन में मुझे भी एक टाइम के लिए लगा कि इसको डाल तो देना चाहिए बट मैं भूल गया एक्चुअली इसको डालना। सो मैंने सोचा क्यों ना अपडेट में डाल ही देते। सो क्रोकोडाइल के साथ साथ मैंने एलिगेटर को भी गेम के अंदर डाला है, अगर एक जगह रुक जाए तो मैं आप लोग को दोनों के डिफरेंसेस दिखा दूँ। भला सबसे पहले क्रोकोडाइल का जो जबड़ा है ना वो एकदम सीधा है, तुम देख सकते हो आप एकदम सीधा है एंड ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड एलिगेटर की बात करूँ ना तो उसका जबड़ा देखो थोड़ा सा ना डिफरेंट है, मतलब काफ़ी वो है, और उसकी आंखें भी ऊपर के साइड में, एलिगेटर की सीधा मुंह के साइड पे है। सो थोड़े बहुत चेंजेस है दोनों में। एंड अगर तुम एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल तो सबको पता है मगरमच्छ होता है, बट एलिगेटर भी उसका कह सकते हो उसका चाचा का लड़का है जो कि उसके जैसा ही दिखता है, बस थोड़े से उसके में चेंजेस होते हैं, उसके नीचे के दांत वगैरह आसानी से दिख जाते हैं बट क्रोकोडाइल की तरह नहीं है।
मतलब चेंजेस है दोनों में। तो ये चीज़ है अपने पास बियर। जी हाँ, ये बेबी वर्जन स्पून हो गया। एक्चुअल में बियर का क्या सीन था ना गाइस, बियर फर्स्ट वर्जन में ही आ जाना चाहिए था। एक्चुअली इसे मैंने बीटा वर्जन में डाला था, बट बिकॉज ऑफ सम ग्लीचिस एंड बग्स इसकी एनिमेशन पूरी ख़राब हो रखी थी, एंड इसी रीज़न से मैं काफ़ी अनॉय हो गया था। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था फर्स्ट वर्जन से, एंड मैंने डिसाइड किया कि इसको अपडेट में अच्छे से फिक्स करके दोबारा डालेंगे। सो या हेयर वी गो, एंड इसकी एनिमेशन वगैरह मैंने मतलब फिक्स कर दिया सब, एंड अब ये अपडेट में हमारे साथ है। ध्यान भाई, एक चहिता मॉब जो कि है अपना कांगारू। एंड भाई ये क्या ही भागता है भाई, ये कांगारू चल रुक जा भाई। सो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा है मुझे पता है, बट ये जो कांगारू है ना गाइस, ये जो है ना एकदम से ख़तरनाक है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर कांगारू को भी डाल दिया है, अगर तुम लोग इसको देखो तो भाई। तो यह कांगारू कुछ ऐसा गेम में दिखता है जो कि तुम देख सकते हो, इसके पीछे पूंछ भी है एंड दिखता है कुछ ऐसा। सो कांगारू काइंड ऑफ थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे पता है, बट मैंने पता नहीं कैसे इसको बनाया है। मुझे अगर कुछ और आइडियाज़ मिले तो मैं इनके मॉडल्स को भी अच्छे से फिक्स करूँगा। देन अपने पास एक नहीं बल्कि है दो दो मॉब्स जो कि है एक ही कैटेगरी के, जो कि है मंकीज। जी हाँ, मैंने इसके अंदर बंदरों को भी डाल दिया है। काइंड ऑफ थोड़ा अजीब मूवमेंट करते हैं, बट एक्चुअली में मैंने इनको डाला है। मैंने दो टाइप के बंदर यानी कि मंकीज डाले। पहला है एकदम से नॉर्मल वाला जो कि सबको पता है, एंड दूसरा है हिमालयन मंकी, जो कि अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता तो ये मंकी ही होता है, बस ये वाइट एंड ब्लैक कलर में होता है। सच बताओ ना तो हमारे यहाँ यही वाले मंकीज़ होते हैं, हमारे यहाँ ये ब्राउनिश मंकीज़ नहीं आते, हमारे यहाँ ये हिमालयन टाइप के मंकीज़ ही आते हैं। काइंड ऑफ मैं गुजरात में रहता हूँ, बट हमारे यहाँ भाई ये वाले मंकीज़ होते हैं हर जगह पर। एंड भाई ये वाले कह सकते हो कि वही होते हैं मतलब नॉर्मल से। एंड भाई ये मंकीज़ भी मैंने इसके अंदर डाले। सो काइंड ऑफ मैंने काफ़ी सारे मॉब्स डाल दिए, अभी टोटल एड ऑन के अंदर 51 मॉब्स हो गए। जी हाँ, वैसे ये सारे मॉब्स फर्स्ट वर्जन में भी आ सकते थे, बट जस्ट फॉर सम रीजंस फर्स्ट वर्जन में मैंने डाल नहीं पाया। एंड सेकेंड वर्जन में मैं और भी न्यू मॉब्स डालना चाहता था, जैसे पिटबुल, फिर गिलहरी जो होती है हमारी वो, एंड बहुत से ऐसे मॉब्स का मेरे पास प्लान था। बट एक तो मैं बीमार हो गया और ऊपर से कल मेरा बर्थडे भी है, और भी बहुत सारे रीजंस है। सो दैट्स वाई मैं कई सारी चीज़ें नहीं डाल पाया हूँ। सो अगर आप लोग को इस अपडेट के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएगी अच्छे से डिटेल में। सो आप लोग वो भी देख लेना। एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस एकदम से सिंपल सा है, दोबारा से गूगल ड्राइव का, कोई पासवर्ड वगैरह कोई झंझट नहीं है, आराम से डाउनलोड कर लेना। एंड यप, ये एडवांस शायद mcpdl.com पे भी आ जाएगा बहुत जल्द, अगर आया तो मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग को गुड बाय।